बे टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स आज एक बार फिर से आप सभी किताब को बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम लोग डीआरडीओ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा फ्रेंड्स आज हम लोग मेजर एंड ऑफ यूनिट यानी माप तौल और मात्राओं के पद्धति से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करूंगा और आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए लाभकारी होगा फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट शेयर कर दें और लाइक करें जो चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल बेलाइकन अवश दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ने मिल सके चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। है कि परीक्षा उपयोगी तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य कि ब्रिटिश प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली जिसको एफ पी एस भी बोलते हैं जिसको एफ का मतलब होता है फूड, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड भी कहते हैं इसका प्रचलन कब हुआ था तो 1855 में ब्रिटेन में हुआ था इसका एफ यानी फुट फुट को किसी से नाप लंबाई ताप और कोण के माप इस प्रकार है अगर लंबाई को हम एक मील इजकल टू तो कितना गज होता है तो 1760 गज कितना फुट होता है तो बावन सौ अस्सी फुट होता है एक गज बराबर कितना फुट होता है तो तीन फुट होता है और कितना इंच होता है तो छत्तीस इंच नेक्स्ट है कि एक फुट बराबर कितना इंच होता है तो बारह इंच होता है एक इंच बराबर कितना भाग होता है तो चौंसठ भाग जिसको एक बटा चौंसठ कर देते तो उसको एक चूल भी बोलते हैं एक इंच बराबर कितना भाग होता है तो बत्तीस भाग होता है उसका एक बटा बत्तीस भाग एक इंच बराबर क्या होता है तो सोलह भाग होता है और एक इंच बराबर कितना होता है तो आठ भाग होता है अगर हम तापमान में इसी को देखते हैं सेंटीग्रेड और फारेनहाट और कम कैलबिन में अगर मापे जा, जाते हैं तो सेंटीग्रेड में तापमान कितना होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और सौ डिग्री सेंटीग्रेड के अगर फारेनहाइट कितना होगा तो बत्तीस डिग्री फारेनहाइट और सेंट और सौ अगर डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो उस पर कितना होगा फॉरन तो दो सौ बारह डिग्री फॉरनाइट होगा अगर सौ डिग्री कितना दो सौ बारह ठीक है फार्मूला है कि सी वटा सौ

इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं नेक्स्ट है कौन का माप कौन का माप कितना होता है तो एक वृत्त में कितना डिग्री होता है तीन सौ साठ डिग्री एक वृत्त में कितना समकोण होता है तो चार समकोण होता है एक समकोण में कितना डिग्री तो नाइन्टी डिग्री होता है एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है तो साठ मिनट होता है एक मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है साठ सेकेंड अगर कहीं कहीं देखते हैं डबल डैश लगा होता है तो इसको डबल डैश से डिनोट करते हैं एक रेडियन बराबर होता है फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री एक और रेडियन इजकल टू होता है एक सौ अस्सी डिग्री मिल्ट्रिक्स प्रणाली मिल्ट्रिक्स प्रणाली आजकल विश्व में अधिकतर देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है भारत में बी आई तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर स्वीकृति दी गई है जिसका लंबाई को सेंटीमीटर में तो तौलने की वस्तु को किस चीज़ में तो ग्राम में और समय को सेकंड में और तापमान को सेल्सियस में मापते हैं इसे सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड भी कहते हैं अगर हम लंबाई को माप लेते हैं तो एक मिलीग्राम बराबर होता है एक हज़ार माइक्रो एक माइक्रोन बराबर होता है जी एक, एक माइक्रोन बराबर होता है जीरो पॉइंट जीरो 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 एम एम और एक मीटर बराबर होता है सौ सेंटीमीटर और एक हज़ार मीटर बराबर होता है एक किलोमीटर अगर कौन में हम लोग इसको देखते हैं तो एक वृत्त बराबर कितना ग्रेड होता है तो चार सौ ग्रेड होता है एक वृत्त में कितना समकोण चार समकोण एक समकोण बराबर कितना ग्रेड तो सौ ग्रेड तो और एक ग्रेड बराबर होता है तो सौ मिनट होता है समय यानी टाइम टाइम को मापते हैं किस चीज़ में तो साठ सेकेंड टू तो कितना मिनट होता है तो एक मिनट एक साठ मिनट में एक घंटा और चौबीस घंटा बराबर एक दिन या एक रात भी उसको एक दिन एक रात होता है चौबीस घंटा बराबर बेटे मेट्रिक से मापों का संबंध तो एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता था टू तो पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर होता है जिसको मिलीमीटर में अगर बोल सकते हैं तो इसको बोलेंगे ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर मिलीमीटर एक फुट बराबर कितना होता है तो तीस पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर इसको मीटर बोलेंगे तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर होता है और एक गज बराबर होता है जीरो पॉइंट नाइन वन फोर मीटर इसको सेंटीमीटर बोलेंगे तो नाइन वन नाइन्टी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर अगर मिलीमीटर mm में बोलेंगे तो नौ सौ चौदह मिलीमीटर बोल सकते हैं अगर मिलीमीटर में एक मिलीमीटर मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है तो वन तो पॉइंट सिक्स जीरो नाइन थ्री किलोमीटर होता है एक मिलीमीटर मिली मीटर बराबर कितना होता है तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन सेवन इंच होता है एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है तो जीरो पॉइंट थ्री नाइन थ्री सेवन इंच होता है और एक मीटर बराबर होता है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंच होता है जिसको गज में अगर नापते नापेंगे तो कितना होगा तो वन पॉइंट जीरो नाइन फोर गज होता है यूनिट जिसको मापने मात्रक बोलते हैं उसको यूनिट बोलते हैं यूनिट का भौतिक भौतिक राशि है मापने के लिए इसे इसे मापने के लिए स्वीकार का समर्थक मानक या भौतिक राशि का अंगीकार माना जाता मान मान को व्यक्त करने के लिए राशि का मात्रक है इसका मूल्य मात्रक है यानी फंडामेंटल यूनिट्स है वे मात्रक जो एक दूसरे को पूर्णतः स्वतंत्र हो और एक दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे मूल्य मात्रा कहते हैं जैसे कि मीटर किलोग्राम सेकेंड कैलविन एम्पियर कैंडला और मोल ये सब क्या है तो ये सब फंडामेंटल यूनिट है व्युत्पन्न से नहीं? व्युत्पन्न यूनिट्स यानी डिराइव्ड यूनिट इसको क्या बोलते हैं वे मात्रा के जिसको मूल मात्रा के पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है वह व्युत्पन्न मात्रा कहलाता है जैसे घन मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यू मीटर स्क्वायर ये सब क्या है तो व्युत्पन्न यानी उत्पन्न किया गया है मापन पद्धति यानी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के तहत मापन चार पद्धति सी पहला यानी इसको सेंटीग्राम सेकंड की पद्धति बोलते हैं इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं एम के एस पद्धति जिसको बोल सकते हैं एम के एस एम फोर मीटर के फोर के जी और एस फोर सेकंड पद्धति बोलते हैं इस पद्धति इस पद्धति के द्वारा इस पद्धति के में लंबाई मीटर द्रव्यमान किलोग्राम और टाइम को किस चीज में सेकंड में मापते हैं स्टैंडर्ड यूनिट जिसको मानक यूनिट भी बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट एक मीटर बराबर कितना होता है तो एक मीटर बराबर अगर क्रिप्टोन के आर एट्टी सिक्स के नारंगी प्रकाश की तरंग दर्ज कितना है तो सोलह लाख पचास हज़ार सात सौ तिरसठ पॉइंट सेवन थ्री दर्द की कुल लंबाई है अगर किलो एक के में कितना कार्बन देता है सी के पावर ट्वेल्व के फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट जीरो वन डबल एट इंटू टेन टू पावर पच्चीस परमाणुओं का द्रव्यमान होता है और एक सेकंड बराबर कितना सी होता है सी, सी में सी, जी, सी जी में होता है परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है तो नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन डबल सेवन जीरो कंपन के लिए है अगर एफ पी एस में अगर देख लेते हैं फूट पौंड में तो एफ पी एस पद्धति में ए फूट को ए फोर फूट फुट को किस चीज़ में तो पौंड में मापते हैं फुट पौंड सेकंड पद्धति इसे बोलते हैं जिसको लंबाई को हम लोग फुट में द्रव्यमान को पौंड में और समय को किस चीज़ में तो सेकंड में मापते हैं और एस आई पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इस पद्धति में मूल्य सात तरह के होते हैं मात्रक को मीटर में किलोग्राम मात्रक मीटर किलोग्राम सेकेंड कैलवीन एम्पियर कैंडला तथा मोल दो पूरक मात्रक है रेडियन और ऑस्टेरेडियन ये सब क्या है तो ए साई यूनिट है ए साई पद्धति में कितना मात्रक है तो ठो है चलिए हम देख लेते हैं लंबाई का किस चीज़ से मापते हैं तो लंबाई को मीटर से मापते हैं जिसका संकेत क्या है तो स्मॉल एम है द्रव्यमान को केजी से जिसको केजी बोलते हैं और टाइम को सेकंड से विद्युत धारा को एम्पियर से जिसको ए से डिनोट करते हैं तापमान या टम्परेचर को कैलविन से जिसको के द्वारा व्यक्त किया जाता है पदार्थ की मात्रा को मोल और ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं तो कैंडला जिसको सी से भी डिनोट करते हैं समतल कोण यानी रेडियन जिसको आर ए डी बोलते हैं और घन कोण जिसे अष्टे रेडियन बोलते हैं इसको एस आर से डिनोट करते हैं चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं एम क्वेश्चन है क्वेश्चन है, question है कि अभी विन्यास हेतु कार्यखंड को उद्वार्ध स्थिति में रखा जाता है इस उद्देश्य के लिए किसे कसा जा।, जा है तो किसे कसा जाता है तो ऑप्शन में है सतही प्लेट को ऑप्शन बी में है एक कोणीय प्लेट को ऑप्शन सी में है एक भी ब्लॉक को तो किस और ऑप्शन डी में है एक मशीन ब्लेड को तो किसे कसते हैं तो ऑप्शन बी यानी एक कोणीय प्लेट को नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु और कोणीय दोनों मापों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए में जय ऑप्शन बी में है परवन चंदा ऑप्शन सी में है ऑटो कैलेमीटर ऑप्शन डी में है कार्बोनेटर सेट तो किसको करते हैं तो ऑप्शन ए यानी जयाबार को करते हैं जिसको शंकु और कोणीय दोनों मापों के हेतु जयाबार को उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर होता है तो ऑप्शन ए में है एक मिलीमीटर ऑप्शन बी में है जीरो पॉइंट वन मिली ऑप्शन सी में है जीरो पॉइंट जीरो वन मिली ऑप्शन डी में है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मिली तो कौन सा होगा तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मिली यानी एक माइक्रोन बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है एक वर्ग मीटर बराबर क्या होता है तो एक बर्ग मीटर बराबर ऑप्शन में है इलेवन पॉइंट सेवन सिक्स वर्ग मीटर ऑप्शन बी में है दस वर्ग मीटर ऑप्शन सी में है दस पॉइंट फाइव जीरो वर्ग मीटर ऑप्शन डी में है दस पॉइंट सेवन सिक्स फोर वर्ग मीटर तो कौन सा होगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा एक बर्ग मीटर बराबर होता है टेन टू टेन इंटू सेवन सिक्स फोर वर्ग मीटर होता है अगर इसको अगर चार किलो लीटर अगर बोलेंगे तो इसको चार हजार मिलीलीटर हो जाएगा अगर पाँच लीटर बोलेंगे तो पाँच सौ सेंटीलीटर होगा छह मीटर बोलेंगे तो साठ डेसी मीटर होगा अगर आठ तो मीटर बोलेंगे तो अस्सी सेंटीमीटर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन ए में ओम इज कल टू होता बोल्ट वाल्टा एम्पियर ये बिल्कुल राइट आंसर है एम्पियर बराबर होता है गुलाम बटा सेकेंड बिल्कुल सही है बोल्ट बराबर क्या होता है तो बोल्ट बराबर गुलाम बटा जूल ये बिल्कुल गलत है क्या होगा तो जूल बटा गुलाम होता है इसका क्या होगा तो ये जूल बटा गुलाम होगा यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे जूल बटा गुलाम इसका होता है गुलाम इज कल टू क्या होता है जूल बटा बोल्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन निम्न के बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है तो ऑप्शन ए में जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ऑप्शन बी में है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम ऑप्शन सी में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एम एम और ऑप्शन डी में है जीरो पॉइंट वन जीरो एम एम तो कौन सा होगा तो ऑप्शन बी यानी जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम होता है यानी मिलीमीटर mm. एक माइक्रोन बराबर क्या होता था टेन टू पावर माइनस सिक्स होता है एक माइक्रो बराबर क्या होता है तो टेन टू पावर माइनस सिक्स एक नाइनो बराबर टेन टू पावर माइनस नाइन और एक मिली बराबर टेन टू पावर माइनस थ्री होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है कौन सा सदिश नहीं है तो फोर्स फोर्स क्या है तो एक सदिश राशि है जिसमें दिशा हो उसे सदिश बोलते हैं और अदिश किसको बोलते हैं जिसमें दिशा ना हो तो इसको सदिश मोशन यानी मूवमेंट यानी संवेग इसमें क्या है तो ये सदिश राशि है मास यानी द्रव्यमान ये क्या है तो ये इस ये सदिश राशि है और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी द्रव्यमान मास क्या है तो मास एक किसी वस्तु है ठोस है इस इसमें क्या है इसमें कोई दिशा नहीं होता है इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वेलोसिटी सिटी क्या है इसमें बेग यानी कोई भी दिशा में लगेगा यानी ऑप्शन डी भी सही है यानी कौन सा गलत कौन सा है तो मास मास का इसका कोई भी दिशा नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन मात्रकों का यूनिट है तो उत्सर्जन मात्रकों का यूनिट है तो ग्राम पर केजी बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्धारित समय के लिए एक कार्य का दर होता है तो एक निर्धारित समय के लिए कार्य का दर को क्या बोलते हैं तो शक्ति बोलते हैं यानी पावर इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं तो पावर बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी एच पी बी एच पी जिसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर यानी ब्रेक हॉर्स पावर आ ऑफ है इंजन इज मेजर्ड बाय तो किसके द्वारा मापते हैं यानी इंजन को किसके द्वारा मापते हैं तो डायनोमीटर द्वारा यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसी बल डेसी बल को किस चीज़ से मापते हैं किस चीज़ के लिए मापते हैं तो ध्वनि को मापने के लिए डेसी बल का उपयोग करते हैं यानी ध्वनि ध्वनि को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं तो डेसी बल का उपयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है सरफेस प्लेट किस चीज़ का तो ग्रेनाइट का बिल्कुल बनाएंगे कि सरफेस प्लेट ग्रेनाइट का बना होता है वह मजबूती देने के लिए रिप्स की बनी होती है इसके दोनों प्लेटों के इन प्लेटों की सतह जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम समतलता यानी फ्लाइटनेस वाली होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है तो एक माइक्रोन बराबर होता है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सेंटीमीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अंतपुच्छा के टेप पर कोई इसमें से किसकी सहायता से मापी जाती है तो किसकी सहायता से मापी जाती है स्लिप गेज और मानक बीमाओं को से मापी जाती है किसी से तो स्लिप गेज और मामक मापक बीमाओं से मापी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमोमीटर एक युक्ति जिसका प्रयोग निम्न में मापों में किया जाता है तो डायनेमो किसके लिए माप में करते हैं तो ऑप्शन भी यानी धातु कतरन के दौरान बल ये बिल्कुल राइट आंसर होगा यानी डायनेमो युक्ति जिस प्रकार की जिसका प्रयोग धातु कतरन या धातु को काटने के दौरान बल को मापने के लिए किया जाता है डायनेमोमीटर का जो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियों मापने का यंत्र है नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हजार पाँच mm सौ एम एम निम्न बराबर होता है तो दो हजार पाँच सौ एम एम बराबर होता है दो सौ पचास सेंटीमीटर होता है कितना होता है तो दो सौ पचास सेंटीमीटर होता है नेक्स्ट है एक मीटर में सेंटीमीटर होता है तो एक मीटर और कितना सेंटीमीटर होता है तो दस सेंटीमीटर होता है दस डेसीमीटर एक मीटर और कितना डेसीमीटर होता है तो दस डेसीमीटर होता है अगर सेंटीमीटर पूछे तो सौ सेंटीमीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंच एक इंच में सेंटीमीटर होता है तो कितना इंच सेंटीमीटर होता है टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है और उसको मिल में अगर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर मिलीमीटर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किलोवाट घंटा का मान होता है एक किलोवाट घंटा का मान क्या होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर सिक्स जूल होता है, है।, है मीट्रिक्स प्रणाली में लंबाई का माप का निर्धारण किया गया है तो किसके द्वारा निर्धारण किया गया है तो मीटर से किसके द्वारा तो लंबाई को मापने के लिए मीटर को प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर को नापने का इकाई है तो एम्पियर किस चीज से नापते हैं किस एम्पियर किस चीज के लिए है तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं पावर पावर किसके नापते हैं तो पावर किस चीज़ का तो शक्ति का मापने के लिए करते हैं प्रतिरोध ओम का और वोल्टेज विभांतर को मापने विवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो वोल्टेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वात्रिक मापक समय का आविष्कारक किसके किया था तो किसने किया था तो ऑप्शन सी है सेंड फोर्ड फ्लेमिंग किया था समय का मापक का आविष्कारक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो बाट घंटा का मात्रक है किलो बाट घंटा का मात्रक कौन सा है तो विद्युत ऊर्जा किलो सॉरी विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है तो किलो बाट घंटा है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे द्रव्यमान का देख लेते द्रव्यमान का मात्रक क्या है समय का मात्रक क्या है तो सेकेंड विद्युत शक्ति किलोवाट। वाट नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति को किस चीज़ मापेंगे तो किलो में भी माप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल होगा तो किसके बराबर होगा तो ए वन पॉइंट जीरो बार के समतुल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर बराबर होता है तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है सात सौ छियालीस वाट यानी इसको अगर बाट में सात सौ हॉर्स पावर में कितना होता है तो सात सौ लेकिन एक किलो बाट बराबर कितना होता है तो एक हज़ार बाट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रा क्या है तो बल का बिल्कुल फराड न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर होगा यानी इसका फार्मूला होता है मास एम इंटू ए यानी मास इंटू एक्सलरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट समतुल है तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल कितना है तो एक हजार केजी सेंट कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को जीरो पॉइंट थ्री नाइन से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है तो किससे गुना करेंगे तो सेंटीमीटर से अगर गुना करेंगे तो किस चीज में प्राप्त होगा तो इंच में प्राप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रा क्या है तो कार्य का मात्रा क्या है तो जूल कार्य किसका मात्रक है तो जूल का मात्रक है न्यूटन बल का पार्ट शक्ति यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है तो बल इंटू दू डी यानी एफ इंटू डी यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का तेल का एक बैरल एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता तो एक बैरल में कितना होता है तो एक सौ फिफ्टी नाइन लीटर होता है एक बैरल में कितना होता है ए वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन लीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमिलित नहीं है तो नॉट किसके लिए है तो नॉट के जहाज की चाल मापने के लिए नॉटिकल मिल किसके लिए है तो नौ संचालकों को दूरी प्रतियुक्त दूरी कोई इकाई है एंगस्ट्रॉन्ग त्रैंग दर्द प्रकाश के त्रंग दर्द के लिए है लेकिन प्रकाश वर्ष किसके लिए है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है न कि समय का यानी यही गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति होता है तो प्रकाश की गति होता है थ्री इंटू टेंट पावर एट मीटर पर सेकंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्शिक तारों संबंधित दूरिया को मापने का मात्रक बराबर होता है तो कितना बराबर होता है थ्री पॉइंट टू फाइव प्रकाश वर्ष यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन मीटर और एक पारसेक बराबर कितना होता है तो थ्री पॉइंट टू सिक्स टू प्रकाश वर्ष होता है ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है तो किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है एक हजार मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीको ग्राम बराबर होता है एक पीको ग्राम ग्राम बराबर होता है टू पावर माइनस ट्वेल्व ग्राम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो कन का आकार होता है नैनो कन का आकार किसके किसके बीच होता है तो नैनो कन का आकार एक एन एम से एक सौ एन एम के बीच होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है छह फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है तो छः फुट की ऊंचे व्यक्ति को करने के लिए क्या होता है तो इसको छः फुट का व्यक्ति है इसको एक फुट बराबर एक मीटर और कितना फुट होता है तो थ्री इंटू टू एट फुट होता है यानी छः फुट के लिए तो वन वटा थ्री पॉइंट टू एट इंटू सिक्स करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा तो वन पॉइंट एट टू नाइन मीटर आएगा यानी कितना होगा तो वन पॉइंट एट थ्री मीटर हो जाएगा यानी हम लोग जानते हैं एक नाइनो मीटर पावर क्या होता है टेन तो टू पावर माइनस नाइन मीटर होता है यहाँ से क्या कर देंगे इसको तो वन पॉइंट या कितना मीटर आया तो वन पॉइंट एट थ्री मीटर को वन वाटा नाइनो यानी इसको क्या करेंगे मीटर में बैक करने तो वन वाटा दस को पावर माइनस नाइन इंटू तो टेन टू पावर वन पॉइंट एट थ्री इजकल टू कितना होगा तो वन पॉइंट एट थ्री इंटू टेन टू पावर नाइन होगा यानी कितना नैनोमीटर होगा तो ये दशमलव वाला हटाएंगे तो इसको दशमलव इधर दस हटेगा यहाँ से कितना तो हटेगा तो सौ हटेगा सौ इधर जाएगा तो दस के पावर इसमें कर क्या घटेगा दो घट जाएगा तो दुछ दुछ नौ से क्या हो जाएगा सात यानी वा एक सौ तेरासी इंटू टेन टू पावर माइनस टेन टू पावर सेवन नाइनोमीटर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाइनो बराबर होता है तो एक नाइनोमीटर बराबर होता है टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर होता है तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है तो एक वटा एक हजार मिलीमीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की इकाई है तो रेडियो धार्मिकता किस इकाई है तो क्यूरी की इकाई क्या है तो रेडियो धार्मिकता क्यूरी का इकाई क्या है तो रेडियो धार्मिकता नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएस यूनिट सीजीएस प्रणाली में श्यांता गुणांक सीजीएस प्रणाली में श्यांता गुणांक का मात्रक क्या होता है तो सीजीएस प्रणाली में सियांता गुणांक का मात्रक है डाइन सेंटी डाइन सेकेंड पर सेंटी स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रसायन में आइंस्टीन ए एक के एक इकाई है और इसका मानक है तो इसका मानक क्या है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू पावर तेईस क्वांटा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है तो ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन डी यानी बेबर बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में पंद्रह सौ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो किसको तो पायरोमीटर को किसको उपयोग में करते हैं तो पायरोमीटर को उपयोग में लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थार दो हजार डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है तो कौन सा होता है तो ऑप्शन सी में है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाइनोमीटर बराबर होता है तो एक नाइनो मीटर बराबर होता है तेंडू पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मापक और इकाई तथा ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि साइन बार का साइज के लिए होता है यह डीआरडीओ टर्नर का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि साइन बार का साइज के लिए होता है तो किसके लिए होता है तो ऑप्शन बी में है दोनों रोल को केंद्र के बीच की दूरी से नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता है तो किस साइज में नहीं होता है तो पाँच सौ एम एम में नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार में सुराखों का उद्देश्य क्या होता है तो साइन बार में सुराखों का उद्देश्य होता है वर्क पीस को क्लैंप करना नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार का सिद्धांत का कार्य करता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो त्रिकोण त्रिकोणमिति पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार की किस धातु होती है साइन बार की धातु होती है तो कैसा धातु होता है तो स्टेनलवाइज क्रेमियम स्टील होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार का प्रयोग किया जाता है साइन बार किसके लिए प्रयोग करते हैं तो टेपर जॉब को कौन ज्ञात करने के लिए है? हम लोग किस चीज का तो साइन बार का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डबसन डब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है डब्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के फोटोग्राफ क्वेश्चन है वायुमंडलीय को के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं युग में सही है तो कौन सा युग में सही है तो ऑप्शन ए में है हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की जलवाष्प का अंश को मापता है ऑप्शन बी में है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं तो हम लोग लैक्टोमीटर से दूध की सांद्रता को मापते हैं यानी दूध का शुद्धता को गति को और सीस्मोग्राफ से भूकंप को यानी ऑप्शन बी गलती होगा यानी इसमें क्या हो से हम लोग दूध की शुद्धता को विद्युत को चालन को मापने के लिए करता है और डायनो डायगोग्राफ से मीटर से इसका प्रयोग किसके लिए तो विद्युत मापने के विद्युत चालन को मापने के लिए किया जाता है और क्रिप्टो नेक्स्ट है कि क्रेमटो पटोमीटर से क्या करते हैं तो हम लोग इसका प्रयोग यानी वर्ण विभेदी यानी कलर प्रिपिटेशन मापने के लिए करते हैं और साइन साइमोमीटर का प्रयोग हम लोग इसका प्रयोग बेभे मोशन यानी गति को मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किए गए काम को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं तो किए गए काम को मापने को यंत्र को करते हैं तो आर्गोमीटर करते हैं आर्गोमीटर से हम लोग करते हैं क्या तो का किए गए कार्य को मापते हैं यूडियोमीटर से हम लोग गैस के आयतन को मापते हैं एनिमोमीटर से हम लोग बहते हुए वायु के गति व शक्ति को मापने का यंत्र है और हेट्रोमीटर से यह वर्षा मापक यंत्र है नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करें तो महासागर को गहराई के मापने के लिए फाइदोमीटर का उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र क्या है तो आकाश या समुद्र की नीलमा को मापने के लिए हम लोग साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय को मापने के लिए क्या करते हैं तो समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं और ड्यूरोमीटर का उपयोग हमको हम लोग शोर को मापने के लिए उपयोग करते हैं एनिमोमीटर को वायु के शक्ति को मापने के लिए करते हैं शक्ति या ग और गति को मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप को मापने के लिए हम लोग भूकंप को, मा 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 को, को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ल्यूसिमीटर को प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन है तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम लोग एरोमीटर का प्रयोग करते हैं यानी ऑप्शन सी को नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं उसका उपकरण का क्या नाम है तो रक्तचाप मापने के लिए हम लोग अस्फीगो माइनोमीटर का उपयोग करते हैं एस्फिगु माइनोमीटर का कार्य क्या है तो रक्तचाप को मारता है थर्मामीटर शरीर का तापमान मापना ई दिल के से जुड़े अंगों उसके रोगों को पता लगाता है स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा मापने का यंत्र क्या है तो वर्षा मापते हम लोग हाइटोमीटर से किस चीज़ से मापते हैं तो हाइटोमीटर से हम लोग वर्षा को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के बेग को मापने का यंत्र क्या है तो हवा को वेग को मापते हैं एनीमोमीटर से मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम दूध की विशिष्टता गुण को किस चीज़ से मापेंगे तो दूध की विशिष्ट गुरुत्व को कैसे मापेंगे दूध की विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व को हाइग्रोमीटर के द्वारा उपयोग करके हम लोग मापेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित करें यानी कौन सा सही है ये कौन सा मिलान सही करें मिलान करने वाला है तो फायदोमीटर फाइदोमीटर से हम लोग क्या करते हैं तो समुद्र की गहराई को मापते हैं यानी ऑप्शन डी बायरोमीटर से क्या करते हैं तो वायुमंडलियों की दाब होता है हाइग्रोमीटर से क्या होता है तो वायुमंडलियों की आदरता और अल्टीमीटर से क्या होता है ऊंचाई यानी कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं तो उसे लक्स मीटर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जल ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने उपकरण का कौन सा है तो कौन सा है तो हाइग्रोमीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को मात्रा क्या है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का है न्यूटन पर कुलाम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बल का एसआई मात्रक क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र बल का एसआई मात्रक टेस्ला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लिखित तापमापियों में से किस पायरोमीटर कहा जाता है किसे पायरोमीटर कहते हैं तो ऑप्शन बी में है विकिरण तापमापी को बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्न निम्नलिखित को मापने का प्रयोग में लाया जाता है किसको प्रयोग में लाया जाता है तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु दाब से क्या मापते हैं तो बायरोमीटर को आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ सी, का और ऊंचे तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग बिल्कुल ऊंचे तापमान मापने के लिए करते हैं और फायदोमीटर से गहराई मापने के लिए सेक्सटेंट से क्या करते हैं ऊंचाई नापते हैं और हाइग्रोमीटर से आदरता को मापते हैं पायरोमीटर का मापक प्रयोग करते हैं तो पायरोमीटर का ताप नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक ऊंच ताप को मापने के लिए किया जाता है तो पायरोमीटर का ताप मापने के लिए फोटोमीटर से क्या करते हैं तो फोटोमीटर से विभिन्न प्रकाश स्रोतों को तीव्रता की तुलना करते हैं फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को स्पंदन करते हैं और पैकनोमीटर से द्रव का घनत्व एवं प्रसार का को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो सोनार का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ मीटर आ मीटर से क्या करते हैं तो आ मीटर से हम लोग धारा को मापते हैं यानी हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं तो बाय सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं और बैरोमीटर से बैरोमीटर से हम लोग दाब को मापते हैं और स्प्रिंग क्या है तो स्प्रिंग वाला तुला यानी जिसको भार उठाने के लिए भारत तोलने के लिए किसे स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं यानी कौन सा होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसीबल डेसी से क्या करते हैं तो सुमलित नहीं है कौन सा सुमलित नहीं डेसीबल ध्वनि के लिए बिल्कुल राइट आंसर है शक्ति बिल्कुल शक्ति का मात्रक है समुद्री मिल नौ संचालकों की दूरी मापने के लिए समुद्री मिल सेल्सियस सेल्सियस से सेल्सियस का इकाई है बिल्कुल सही है देसीबल ध्वनि इकाई भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो मोनोमीटर से क्या करता है? तो मोनो से है, से से करते हैं तो मोनोमीटर से दाब को मापते हैं कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन को कॉर्डियोग्राफ से हृदय की करती है सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता को ये पृष्ठ की तरलता ये बिल्कुल गलत होगा ये क्या होगा तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुमलित नहीं है कौन सा सुमिलित नहीं है तो एनिमोमीटर से क्या करते हैं तो वायु की चाल को मापते हैं और आम मीटर से क्या करते हैं तो विद्युत धारा का टेकोमीटर से क्या करते हैं तो वायुमान वायुयान की जो गति रहता है स्पीड रहता है उसको मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का न कि दावा का ये गलत है पायरो से ऊंचे तापमान का बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता को नापते हैं सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो हाइग्रोमीटर है का प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता के लिए हाइड्रोमीटर से हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व को लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को और पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं तो विद्युत परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आदरता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे हाइड माइनोमीटर से क्या करें गैस के दाब को मापेंगे माइनोमीटर से ओडोमीटर से वायु यानी वायुयान या वाहन की पहिए की गति को मापेंगे यानी दूरी को मापेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है तो हवा में की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर को प्रयोग करते हैं यानी ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं द्रव की घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से द्रव की घनत्व को मापेंगे स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम मापने की उपाय उप मापने का यंत्र है स्पेक्ट्रोमीटर यूडोमीटर से हम लोग गैस का आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं किससे यूडोमीटर से नेक्स्ट यूडो क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर कौन नापता हाइग्रोमीटर वातावरणीय आर्द्रता नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं यह डी आर डी ओ का क्वेश्चन दो हज़ार सोलह में पूछा गया था कि कौन सा होगा था हाइग्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब कौन मापने किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो किस यंत्र का तो बायरोमीटर का उपयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बायरोमीटर कौन सा द्रव का प्रयोग होता है तो कौन सा साधारण बायरोमीटर के लिए तो पारा का उपयोग करेंगे साधारण क्या बायरोमीटर जिसको बोल सकते हैं इस थर्मामीटर भी बोल सकते हैं उसमें क्या चीज तो पारा का साधारण उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायरोमीटर में पारे के तरल अचानक गिर गिरावट का सूचकांक क्या है तो उसका अचानक गिर जाता है तो क्या होता है तो तूफान आने की संभावना व्यक्त किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग को अचानक गिरावट इस बात का संकेत के लिए मौसम है तो कौन सा मौसम है तो तूफान होगा क्या होगा तो तूफान तो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस चीज़ के लिए तो तो सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व और पोलियोग्राफ से झूठ को पता लगाने वाला यंत्र है पोलियोग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युक्तियाँ में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता।, तो जाता है किसके से मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता कायमोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं तो कायमोग्राफ से शरीर की क्रियाओं की ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है जैसे कि रक्तचाप हृदय धड़कन इत्यादि मापते हैं स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय और फेफड़े की आवाज़ को सुनने का यंत्र है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस को भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त है तो कौन सा है तो पायरोमीटर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा रौसी रो रौ, फेरल स्केल से हम लोग इसका मापक एक से ग्यारह रखने गए थे मैक्रो मैक्रेली स्केल यह अनुभव पर प्रधान स्केल है यह क्या है तो स्केल है यह इसमें बारह मापक है रिएक्टर स्केल से यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता जीरो से नौ तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु के तीव्रता का दस गुना से अधिक तीव्र रखता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव क्रिस्टलता तो द्रव क्रिस्टल के लिए किसके लिए है तो द्रव के लिए तो द्रव किस प्रयुक्त करने के लिए कौन सा होगा तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सही कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्ति में पॉकेट कैलकुलेटर में यानी उपयुक्त में से सभी सही, सही राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टेथोस्कोप अस्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं तो अस्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय हृदय के ध्वनि को सुनते हैं से रक्त को चापते हैं मापते हैं कि रक्तचाप को मापते हैं कैरेटोमीटर से क्या करते हैं तो सोने की शुद्धता को पता लगाते हैं और लक्ष्य मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं यानी कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र दाब मापने का प्रयुक्त है तो कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने का तो ऑप्शन सी यानी अस्फीगमो मैनोमीटर बिल्कुल रक्त दाब मापने का यंत्र है नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है तो कौन सा है तो अस्फीगमो मैनोमीटर नेक्स्ट ने या एक्टियोमीटर से क्या करते हैं तो एक्टियोमीटर से हम लोग सूर्य किरण की तीव्रता को मापते हैं बायरोमीटर से क्या करते हैं तो वायु दाब को मापते हैं टेकोमीटर से क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो मोटर बोट या वायुयान के वेग को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रक्तदाब मापा के यंत्र कौन सा है तो रक्तदाब मापा के यंत्र है एस्फेगमो मैनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाले अस्टैथोस्कोप जिसके सिद्धांत किस जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है तो वह है ध्वनि तरंगों का आधारोपण यानी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सुमिलित करें क्या सुमिलित करना है तो एनिमोमीटर एनिमोमीटर से क्या करते हैं तो वायु का वेग को मापते हैं सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ से भूकंप और बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाम को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं का यानी कौन सा होगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्स ऑक्सोनोटोमीटर का प्रयोग करता है ऑक्सोनोटोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्स ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है कौन सा सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन ए में है ओडोमीटर जो वाहनों की पहियों की गति का दूरी मापने का यंत्र है बिल्कुल राइट आंसर होगा ओडोमीटर से हम लोग विद्युत चुंबक के तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है ओडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है लेकिन एमीटर एमीटर से क्या करते हैं तो विद्युत शक्ति ये बिल्कुल गलत है विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता को मापने का यंत्र क्या है तो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए हम लोग ऑडियो मीटर का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जा, जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है तो क्या विशेषता है तो उच्च संचालन शक्ति यानी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित करें इसको क्या करता है मिलान करना है तो क्या लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं दूध की शुद्धता को मापते हैं ए मीटर ए मीटर से क्या करते हैं तो विद्युत धारा को मापते हैं हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं और वोल्ट मीटर से विद्युत विभाग को मापते हैं यानी कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है दूध का घनत्व हम लोग किसके लिए किससे मापते हैं तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को बायरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापेंगे दूध का घनत्व बिल्कुल लैक्टोमीटर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइदोमीटर फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं यानी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यह मूल एसआई मात्रक नहीं है कौन सा है जो एसआई मात्रक नहीं है तो एम्पियर बिल्कुल सही है कैंडला बिल्कुल एसआई मात्रक नहीं है एम्पियर कैंडला ऑप्शन सी में न्यूटन ऑप्शन डी में है कैलविन तो कौन सा होगा तो न्यूटन यानी भौतिक राशियों मापने हेतु चार पद्धति पर चलित है कौन सा है तो एम के एस सी जी एस एफ पी एस और एस SI आई पद्धति है एस SI आई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं जिसका मूल्य मात्रक है इस पद्धति को सात मूल मात्रक है किसका एस SI आई पद्धति का सात मूल मात्रक है कौन सा मीटर सेकेंड किलोग्राम कैलबीन एम पी कैंडला मोल ये सब क्या है तो एस SI आई पद्धति का मूल्य मात्रक है ठीक है इसलिए न्यूटन आंसर नहीं होगा यानी आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल ये सब क्या है तो ये सब मूल मात्रा के एम्पियर भी मूल मात्रा का कैंडला भी है कैल्बिन भी है मूल मात्रा कितना है तो टोटल एसआई में कितना तो साफ्ट है कौन कौन सा है तो मीटर सेकेंड किलो कैलविन एम्पियर कैंडला और मूल है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है तो कौन सा सुमिलित नहीं है तो डेसीबल ध्वनि का बिल्कुल सही है हॉर्स पावर शक्ति का बिल्कुल सही समुद्री मिल दूरी का बिल्कुल सही सेल्सियस सेल्सियस उष्मा की गई सेल्सियस किसको मापते हैं तो ताप को मापते हैं किस किस को मापते हैं तो ताप मापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज तथा पोत को गति को नॉट से प्रदर्शित की जाती है नॉट से प्रदर्शित की जाती है तो एक सौ नोट की गति होती है तो एक सौ नोट की गति होता है तो एक सौ पंद्रह मील प्रति घंटा के बराबर होती है <øre> <well should that problem> नेक्स्ट क्वेश्चन तो है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है तो वायु की गति हमेशा मापते हैं किस में तो एनीमोमीटर से मापते हैं एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो किसका तो पवन के वेग को हम लोग एनिमोमीटर से मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमलित नहीं है तो कौन सा सुमलित नहीं है तो सेल्सियस को हम लोग ताप मापते हैं किलोबाट को विद्युत किलो बाट अवर को किससे में मापते हैं तो विद्युत को आर एच गुणांक को रक्त में मापते हैं रिएक्टर को किसके लिए तो भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल का इकाई है पास्कल किसका इकाई है तो दाब का इकाई क्या है तो पास्कल है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊषमा का इकाई नहीं है तो कौन सा एक उष्मा का इकाई नहीं है तो बाट बिल्कुल उषमा का इकाई नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है उषमा का इकाई नहीं है बाकी सब क्या है तो ये एक उष्मा का इकाई नहीं है तो कैलोरी जूल किलो कैलोरी बिल्कुल उषमा का मात्रा के ये बाट नहीं है बाट किसका है तो शक्ति का मात्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल संबंधित है तो जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह पास्कल किस चीज़ से संबंधित है जूल का क्या होता है तो ऊर्जा का मात्र जूल है तो पास्कल किस चीज़ से संबंधित है तो दाब से संबंधित है पास्कल यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रास्तित की दबाव की इकाई है तो प्रास्थित की दबाव की इकाई कौन सा होगा तो बार प्रास्थित की दबाव का इकाई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल की वैध्युत प्रतिरोधकता की इकाई है चाल की वैध्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है तो ओम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरेक्स के में क्या मापा जाता है क्यूरेक्स में क्या मापते हैं तो जेल के बहाव को क्यूरेक्स द्वारा मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट इकाई होती है इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसके इकाई है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनिट्स में कौन सा सुमिलित नहीं है तो कार्य का जूल बिल्कुल सही है बल का न्यूटन बिल्कुल सही है और ये द्रव्यमान का केजी बिल्कुल सही है दाब का क्या होगा तो दाब का डाइन नहीं होगा दाब का क्या होगा पास्कल हो जाएगा कौन सा होगा तो पास्कल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसीबल इकाई प्रयोग है जिसके मापने में होता है तो किसके मापने में होता है तो ध्वनि की तीव्रता को मापने में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग तो करते हैं तो देसी का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डे बल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डेसी बल बिल्कुल वातावरण में ध्वनि यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोग साधारण बातचीत करते थे तो कितना डेसीबल रहता है तो दस से बीस डे लेकिन तेज बातचीत करते हैं जैसे हल्का तेज बात करेंगे तो कितना होगा तो 20 से 40 डेसिबल लेकिन लाउड स्पीकर का कितना रहता है सत्तर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल डेसिबल किसके लिए है तो ध्वनि के स्तर को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डेसी को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित करना है ठीक है सुमिलित करना है तो कहता है क्यूरेक्स क्यूरेक्स से क्या मापते हैं तो प्रवाह के दर को क्या क्यूरेक्स मापते हैं बाइट किस चीज़ से मापते हैं तो बाइट को हम लोग कंप्यूटर कंप्यूटर को बाइट में मापते हैं रिएक्टर रिएक्टर से किसके लिए भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर और दाब को मापने के लिए हम लोग किस चीज़ के लिए तो दाब को मापते हैं बार को मापते हैं किस चीज़ से दार दाब से मापते हैं यानी कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दर्द तरंग दर्द मापने का या तरंग दर्द किस चीज़ के लिए मापते हैं तो तरंग दर्द एंग बिल्कुल ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग जूल का ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसीबल का और आवृत्ति को मापने के लिए हर्टज का प्रयोग करते हैं यानी कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाट है। बाट को किस चीज से मापते हैं तो बाट को मापने के लिए हम लोग शक्ति कहलाते हैं नॉट है। नॉट को किस चीज के लिए मापते हैं तो नॉट को मापने के लिए ये समुद्र की गति समुद्र की गति को मापते हैं नॉकटे मिल से किस चीज़ के तो नौ संचालन को और कैलोरी से उष्मा को मापते हैं यानी कौन सा आंसर होगा तो आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगा बार्ट बिजली को मापने की इकाई है तो मेगा बार्ट में बिजली को मापने के लिए किस चीज़ के लिए तो उत्पादित की जाती है उत्पादित की जाती है तो उसको मापने के लिए मेगावाट को प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैकियान टैकियन का तात्पर्य क्या होता है टैकियन का तात्पर्य जो होता है प्रकाश गति, गति से तीव्र गति वाले कण, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को क्या बोलते हैं टैकियान बोलते हैं इसका यह कौन सा कैसा शब्द है तो ग्रीक शब्द है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो है।, है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है तो कौन सी सदिश राशि है तो विस्थापन एक सदिश राशि है नेक्स्ट को विस्थापन एक सदिश राशि सदिश राशि किसको कहते हैं वे राशि जो व्यक्त वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं सदिश राशि कौन कौन सी है तो बल है वेग है विस्थापन त्वरण संवेग आवेग आदि सदिश राशियां हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन अधिस राशि जिसमें परिमाण और दिशा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं तो अधिसीश बोलते हैं जैसे उसमें है समय चाल दूरी ये सब क्या है तो ये सब अधिस राशि है नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की एसआई ही मात्रा क्या यांत्रिक ऊर्जा का एसआई ही मात्रक जूल है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर परमाणु पर मापी जाती है तो कौन सी रिएक्टर परमाणु पर भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं भूकंप की तीव्रता को नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो भूकंप की हैं रिएक्टर पर पैमाना नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल तो पास्कल किसके लिए तो दाब बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष में की इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसका है तो दूरी का प्रकाश वर्ष मापते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर पंद्रह मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नैनो मीटर बराबर होता है एक नैनो मीटर बराबर होता है दस के पावर माइनस सात सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्स इकाई बराबर होता है एक पार एक इकाई बराबर होता है दूरी नेक्स्ट क्वेश्चन है समय को इकाई क्या होता है तो सेकेंड मीटर घंटा चुंबकीय फ्लक्स का बेवर दूरी का अन्य इकाई क्या है तो नॉकटिकल मिल है किलोग्राम नॉक्टिकल मिल है नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सा है तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी है लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी है एक माइक्रोन बराबर होता है दस के पावर माइनस सिक्स मीटर एक नाइनोमीटर टेन टू पावर माइनस नाइन बराबर होता है टेन टू पावर माइनस टेन और एक फर्मी बराबर होता है टेन टू पावर माइनस पंद्रह मीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी का मात्रक के जो व्यक्त करते हैं तो फर्मी किस चीज़ में व्यक्त करते हैं तो लंबाई को मापने के लिए फर्मी का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई ऊंचाई मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करेंगे ऊंच बेग को मापने के लिए मैक का स्ट्रेंग दर्द मापने के लिए स्ट्रॉन्ग का दाब का पास काल ऊर्जा का जूल मापने के लिए यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण त्वरण मापने के लिए किस चीज़ का तो मिल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बल का बल को मापने के लिए न्यूटन कृत्य कार्य कृत्य कार्य को मापने के लिए जूल और कृत्य कार्य को मापने के लिए क्या तो जूल और आवेश को मापने के लिए को सॉरी आवेग को मापने के लिए न्यूटन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं है तो कौन सी राशि नहीं है तो आयतन एक राशि नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है तो कौन सी सदिश राशि है तो संवेक एक सदिश राशि है संवेक क्या है तो एक सदिश राशि है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौतिक राशियां पर विचार कीजिए ऊर्जा शक्ति दाब आवेग तापमान गुरुत्व विभाग उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां है तो कौन सा है तो ए केवल आवेग एक सदिश राशियां आवेग क्या है तो एक सदिश राशि है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मापने के लिए साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है तो कौन मापने के लिए साइन बार की लंबाई दोनों सिरों पर लगे रोलरों को सेट करके सेंटरों से सेंटर से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार में आयतन का स्लॉट क्यों काटे होते हैं तो साइन बार में आयतन का स्लॉट क्यों काटे होते हैं तो जॉब क्लैप जॉब को क्लैंप करने हेतु क्या तो जॉब को क्लैंप करने हेतु साइन बार कटे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है तो मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन ये दो डैश यानी सेकंड इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिंग टूल मै टूल मेजरिंग टूल किस धातु के बने होते हैं मेजरिंग टूल बने होते हैं दोनों को यानी स्प्रिंग और स्टेनलेस स्टील दोनों को बने होते हैं यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं बेबल प्रोटेक्टर का हम लोग कोणीय मापने के लिए करते हैं यानी ऑप्शन डी बर्नियल बर्नियल बेबल प्रोटेक्टर से एक डिग्री से से ब्राह्मे ही से अर्थात पाँच मिनट की सूक्ष्मता सुच, में माप ली जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिपर कैलोनोमीटर कैल क्लिनोमीटर संबंधित है क्लिनोमीटर किससे संबंधित है तो कोनीय गेट से संबंधित है क्लिनोमीटर का क्लिनोमीटर गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में वस्तु के ढाल के कोण को मापने का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी तथ्य वैज्ञानिक और उपकरण एवं उसका अनुप्रयोग है यानी कौन सा उपकरण को कहाँ प्रयोग करेंगे उससे तो क्वेश्चन है अल्टीमीटर या तुंग तापी यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है आप मीटर से क्या करते हैं तो विद्युत धारा को मापते हैं एनिमो मीटर से हम लोग इसकी द्वारा ध्वनि की तीव्रता और श्रवण क्षमता को मापते हैं ऑडियो मीटर से हम लोग ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने वाला यंत्र इसका प्रयोग बाहरों के लिए किया जाता है ऑडियो फोन को ऑडियो फोन को कहते हैं बाहरों के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडल को दाब आलेखित करने वाला यंत्र है बैरोमीटर या वायु दाब मापी दोनों को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से हम लोग वायु की वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बाइनो कूलर या द्विनेत्रीय यंत्र से हम लोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने या यंत्र को उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कैलिपर्स कैलिपर्स एक कंपास यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु के बाहरी अथवा भीतरी व्यास को मापते हैं कैलोरी मीटर या उष्मा मापी यंत्र से हम लोग यह ऊष्मा को मा मात्रा मापने का यंत्र है कार्बोरेटर कार्बोरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसका अंतर्दहन इंजन में बासपिस पेट्रोल और वायु को चार्ज को करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्राफ कॉर्डियोग्राफ है कि मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र है कॉर्डियोग्राम कॉर्डियोग्राम से हम लोग मापते हैं मनुष्य के गति हृदय की गति लेकिन कॉर्डियोग्राफ से हम लोग हृदय की गति को अभिलेखित करने वाला यंत्र है कोनियोमीटर कोनियोमीटर या कल मापी यंत्र इसके इसके द्वारा हम लोग यह एक घड़ी है जिसका उपयोग मुफ्त समय जानने के लिए जहाज आदि के लिए किया जाता है कैम्यूटेटर कैम्यूटेटर का हम लोग विद्युत धारा को दिशा बदल देता है जिसे डीसी डायोड डीसी डायनेमो में प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ से हम लोग यह पौधे की हुई वृद्धि के अभिलेखित करते हैं क्रेस्कोग्राफ से पौधे में जो वृद्धि होती है उसको पता लगाने के लिए करते हैं डिप्सी सर्किल या नीति मापी तो इसका प्रयोग हम लोग किसी स्थान को नीति कोण को मापने के लिए ज्ञात करते हैं डायनेमोमीटर से हम लोग यह या एक यांत्रिक ऊर्जा और वैधुत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमोमीटर से एपी डायनेमो या पारा पारापार, पारापार। तो इसके इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं तो यह फिल्म तथा पारदर्शी पदार्थों की चित्र चित्रदर्शी छाया को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है फायदोमीटर या फायदम मापी तो इसको समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं गैलवेनोमीटर या धारा मापी यंत्र तो इसको विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए करते हैं गाइनर मूलर काउंटर इसका प्रयोग हम लोग रेडियो सक्रियता स्रोत को के किरण की गणना करने के लिए गिनने वाला यंत्र है नेक्स्ट है ग्रेम ग्रेविमीटर या गुरुत्व मापी यंत्र यह पानी के अंदर तेल की उपस्थिति को पता लगाने वाला यंत्र है नेक्स्ट है जायरोस्कोप या घूर्णन अस्थाई यंत्र इसका उपयोग हम लोग करते हैं घूमते हुए पिंड की गति को गति ज्ञात करने वाला यंत्र है नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर या या घनत्व मापी यंत्र इसका प्रयोग हम लोग द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए करते हैं हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन का हम लोग प्रयोग हम लोग जल के भीतर ध्वनि जल के भीतर ध्वनि अभिलेखित करता है नेक्स्ट को नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी इसका प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में करता है कायो काइमोग्राफ काइमोग्राफ का प्रयोग जीवित प्राणियों के शरीर के क्रियाएं जैसे रक्तदाब हृदय धड़कन फुसफुस धमनिया आदि को ग्राफ के रूप में अभिलेखित करने के लिए हम लोग काइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं लैक्टोमीटर या दूध मापी से करते हैं दूध की सुज़ता शुद्धता मापने वाला यंत्र है माइनोमीटर माइनोमीटर से हम लोग यह यंत्र है जिसके द्वारा गैस की दाब को मापा जाता है माइकोमीटर माइकोमीटर से मिलीमीटर के हजार में भाग को ज्ञात करने वाला यंत्र है माइक्रोटोन माइक्रोटोन किसी वस्तु के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देने वाला यंत्र है नेक्स्ट है ओडोमीटर ओडोमीटर या चक्कर मापी यंत्र है। इसका है कि वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है फोनोग्राफ फोनोग्राफ से हम लोग ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है फोटोमीटर या प्रकाश मापी इसका यह इसका स्रोत स्रोतों को प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम वाला उपकरण है पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर से हम लोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने वाला यंत्र है राडार राडार का काम है कि दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर से हम लोग इसके द्वारा अत्यंत ऊंचे ताप मापा जाता है एडिएटर रेडिएटर रेडिएटर से हम लोग मोटर गाड़ी के इंजन को शीतल यानी ठंडा रखने के कार्य में किसका प्रयोग करेंगे तो रेडिएटर का प्रयोग करते हैं रेनगेज है वर्षा मापने वाला यंत्र है रेडियोमीटर से हम लोग यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। सेक्रोमीटर या सकरा मापी यंत्र इसके द्वारा सकरा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर से हम लोग इसी यंत्र से के द्वारा गाड़ी की चाल को मापते हैं अस्फिगमो इसका प्रयोग ध्वनि ध्वनि में रक्त दाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अस्फिग्मो का उपयोग करते हैं अस्फिग्मो फोन या नाड़ी मापी इसका प्रयोग नाड़ी यानी धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त यंत्र अस्टेथोस्कोप अस्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ सुनने का यंत्र है स्टॉप वाच स्टॉप वाच का प्रयोग हम लोग समय को सही अवधि बताने वाला यंत्र है टेकोमीटर टेकोमीटर से बायुआन की गति मापने वाला यंत्र थर्मोस्टैंड थर्मोस्टैंड थर्मो स्टेट से हम लोग क्या करते हैं तो स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र जाइलोफोन जाइलोफोन क्या है तो संगीत का एक वाद्य है थियोडोलाइटर थियोडोलाइटर का प्रयोग हम लोग अनुप्रस्थ तथा लंबत कोणों को मापने माप ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है अस्फिगमो मोफोन अस्पिंगोफोन मो से हम लोग क्या करते हैं तो नाड़ी धड़कन तेज ध्वनि को सुनने का प्रयुक्त है अस्टेथोस्कोप अस्टेथबोस्कोप इसका क्या है तो आवर्ती गति को घूमने वाले वस्तुओं की चाल को पता करने के लिए क्या करेंगे तो अस्टेथो स्कोप का प्रयोग करेंगे टर्बाइन टर्बाइन का प्रयोग है कि यह या यंत्र जिसके द्वारा बहते हुए द्रव जैसे कि हवा जल की गति ऊर्जा में गति ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए टेली प्रिंटर टेली प्रिंटर का प्रयोग हम लोग दूर से टेलीग्राफी संदे, संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करने वाला यंत्र है नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत सेल प्रकाश वैद्युत सेल का उपयोग प्रकाश के विद्युत चुंबक के तरंगों में परिवर्तन करने वाला यंत्र इसका प्रयोग टेलीविजन के लिए किया जाता है ओसिलियोग ओसिलोग्राफ ओसिलोग्राफ का प्रयोग यह विद्युत या यांत्रिक कंपन सूचित करने वाला यंत्र है मेगाफोन या भोंपू यह क्या है कि ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचाने वाला यंत्र है मिग्रोमोटोन मिग्रोटोन यह एक विशेष प्रकार का रेडियो ट्यूब जिसके द्वारा अत्यंत अल्प तरंग दर्द उत्पन्न की जाती है राडार सेट एसी की एसी ही तरंगे का प्रक्षेपित करता है काइनोस्कोप काइनोस्कोप का प्रयोग एक ऐसा उपकरण है जिसका एक टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई पड़ता है लौह फुसफुस यंत्र लौह फुसफुस यंत्र से हम लोग कृत्रिम श्वसन की क्रिया करने वाला यंत्र को ड्रिंक कोष्ठ भी कहते हैं डिक्टाफोन डिक्टाफोन यह है कि अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने वाला यंत्र है। एक्टोनोमीटर, एक्टेनोमीटर से हम लोग सूर्य किरण की तीव्रता को निर्धारित करने वाला यंत्र है। बारो मीटर, बारो मीटर से हम लोग इसके द्वारा जीवित उत्तकों द्वारा उत्सर्जित सीओ टू की मात्रा को मापने मापन किए जाने जाता है तथा श्वसन क्रिया के आधार पर जीव जीवन बाधारी मापी जाती है स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप से हम लोग स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है नेक्स्ट है या, या चलचित्र तो इसका प्रयोग हम लोग व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के चित्र को चलते फिरते रूपों में प्रदर्शित किया जाता है इस यह यंत्र दृष्टि निर्बंध निर्बंधन के सिद्धांत पर कार्यकर्ता कंपास या दिशा सूचक यंत्र इसका प्रयोग है उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करना नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइन इलेक्ट्रोइनेस्फोग्राफ या विद्युत से लेखी इसका प्रयोग हम लोग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में अभिलेख विद्युत विभव में हुए परिवर्तनों के आधार पर लिखा जाता है इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर से हम लोग इसके द्वारा विद्युत विभव के अंतर को मापन मापन किया जाता है यह विद्युत आवेशित प्लेटों या, प्लेटो या सुइयों के बीच आकर्षण या विकर्षण वाला आधार पर कार्य करता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युत दर्शी इसका प्रयोग हम लोग विद्युत आवेश की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है यूडियोमीटर यूडियोमीटर या गैस आयतन मापी इसका प्रयोग हम लोग इसके द्वारा रासायनिक क्रिया के स्वरूप गैसों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं डायनेमोमीटर डायनेमोमीटर से हम लोग इंजन द्वारा उत्पा उत्पन्न की गई गति मापने का यंत्र है फोनोमीटर से हम लोग प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र है बोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच बिंदुओं के आवेश मापने वाला यंत्र है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है पहला कि ऊर्जा का आधुनिक मात्रा क्या है तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर क्या होता है तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन जूल एक न्यूटन बराबर होता है टेन टू पावर माइनस फाइव डाइन एक जूल बराबर होता है दस के पावर सात अर्घ एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है दस के पावर माइनस दस मीटर एक अश्व शक्ति बराबर होता है सात सौ छियालीस बाट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है तो किलो वाट घंटा एक किलो वाट घंटा बराबर होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल होता है लंबी दूरी का मात्रा क्या है प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर पंद्रह मीटर दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है तो पारसेक एक पारसेक बराबर होता है थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष या थ्री पॉइंट जीरो एट इंटू पावर सोलह मीटर एक बार बराबर होता है दस के पावर पाँच पास्कल एक फायदम बराबर होता है सिक्स मीटर एक नैनो बार बराबर होता है दस के पावर माइनस नौ मीटर एक गैलन बराबर होता है एक गैलन बराबर कितना लीटर तो फोर पॉइंट फाइव फोर थ्री लीटर एक बैरल लगभग कितने गैलन के बराबर होता है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव गैलन एक क्यूबिक एक क्यूबिट बराबर कितना इंच होता है तो अट्ठारह इंच एक लीग बराबर कितने मील होता है तो तीन मील होता है एक पिको ग्राम बराबर होता है दस के पावर माइनस बारह ग्राम एक माइक्रोन किसके बराबर होता है दस के पावर माइनस तीन मिलीमीटर एक पाउंड में होता है तो चार सौ तिरपन ग्राम यानी जीरो पॉइंट फोर फाइव थ्री के जी एक फुट बराबर कितना सेंटीमीटर तो तीस पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है एक हजार मीटर एक न्यूटन के किसी पुस्तक के में गति संबंधित नियमों का व्याख्या किया जाता प्रिंसिपिया से भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है वह कहलाता है तो वह राशि कहलाता है भौतिक के के निम्न नियमों जिस राशि के पद के रूप में व्यक्त किया जाता है वह कहलाता है तो भौतिक राशियां कहलाता है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दो होता है मूल मात्र मूल मात्रक और व्यत्पन्न मात्रक नेक्स्ट है मात्रक मानक जो मानक जो अन्य माप मानकों के स्वतंत्र होता है जिसका प्रयोग भौतिक राशि को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है उसे मूल्य मात्रक भी कहते हैं नेक्स्ट वह है। भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक वह भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक मूल्य राशियों में व्यक्त करते हैं वह है वह कहलाता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है वह क्या कहलाता है तो व्युत्पन्न राशि कहलाता है नेक्स्ट है मूल मात्रा का उदाहरण है लंबाई सेकंड तथा ग्राम को क्रमशः मीटर सेकंड एवं किलोग्राम में व्यक्त करेंगे किस चीज व्यक्त करेंगे नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रा होता है तो बल व्युत्कर्ण मात्रक होता है तो बल कार्य एवं विभाव विभाव के लिए क्रमशः न्यूटन पास्कल जूल और बोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है नेक्स्ट है भौतिक राशियों को मापने के लिए कितने पद्धति है तो भौतिक राशियों को मापने के लिए हम लोग चार राशियां हैं कौन कौन सा है तो सी जी एस है सी जी एस है एमके एस है और एफ पी एस है एमकेएस और एफपीएस है नेक्स्ट है किस पद्धति को फ्रेंच किस पद्धति को हम लोग पद्धति को फ्रेंच मेट्रिक्स पद्धति भी कहते हैं तो सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं तो फ्रेंच मेट्रिक्स पद्धति भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ पी एस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है तो एफ पी एस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है किस पद्धति के नाम से जाना जाता है ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है एस आई पद्धति का स्वीकृत किया गया था एस आई पद्धति का स्वीकृत किया गया कब तो 1960 के 60 ईस्वी में 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल मापतौल अधिवेशन में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का एस आई संशोधित रूप है तो एम के एस है कौन सा है तो एम के एस है नेक्स्ट है एस आई एस आई पद्धति में एस आई पद्धति में मूल रूप से संपूरक मात्रा कितने होता है तो एस आई पद्धति में मूल रूप से संपूरक मात्रा होते हैं सात है। कौन कौन सा होता होते हैं तो मीटर केजी मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर कैलबिन कैंडेला तथा मोल होते हैं दो संपूरक मात्रक है कौन कौन से हैं तो रेडियम और एस्टेरेडियम है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आई पद्धति की लंबाई का मूल मात्रक क्या है तो एस आई पद्धति का मूल मात्रक क्या है तो मीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा प्रकाश द्वारा निर्वात में वन बटा इतना सेकेंड जितनी दूरी तय करती है वह कहलाती है तो वह क्या कहलाती है तो एक मीटर कहलाती है एक फ्रांस एक फ्रांस सॉरी फ्रांस के सर्विसेज फ्रांस के सी सीवे नामक स्थान फ्रांस के नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय मापक तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इंडियम मिश्रण के बने बेलन द्रव्यमान को कहा जाता है तो मानक किलोग्राम कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोग्राम का संकेत होता है के जी आइस्ट नेक्स्ट है आइस्टिंग ने अपने परि, सापेक्षता के सिद्धांत के समय कौन सा रूप व्यक्त किया था तो चतुर्थमा बीमा कैंडला का मात्र है कि ज्योति तीव्रता होता है एसआई प्रणाली में लेंस की क्षमता क्या होता है लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं यंग प्रत्यास्था का ऐसा मात्रक होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कोम विद्युत वाहक बालू का बोल्ट शक्ति का मात्रक वाट जिसको जूल वा सेकंड बोल सकते हैं विहुवांतर का बोल्ट इसको बाट बटा एम्पियर भी बोल सकते हैं विद्युत धारा मापने के लिए एमपीआर पार्सिक को दूरी से ध्वनि तीव प्रबलता को डेसीबल से शक्ति का ही मात्रा के अश्व शक्ति शक्ति का मात्रा क्या है तो अश्वशक्ति है खाद्य ऊर्जा में मापते हैं तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में टी इनवर्स बीमा होता है टी इनवर्स बीमा होता है ये या आवृत्ति एवं कोणीय वेग का होता है प्रकाश वेग का इकाई होता है खगोलीय दूरी दूरी का प्रकाश वेग है और प्रकाश वर्ष किसका होता है तो प्रकाश वर्ष को वह दूरी जो जो पर प्रकाश वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है नेक्स्ट है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां नापने का मात्रक होता है थ्री तो पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष नेक्स्ट है, है माप की कौन सी इकाई को जीरो पॉइंट थ्री नाइन से गुना करके इंच में प्राप्त होता है तो सेंटीमीटर छह फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचे नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है तो एक सौ तेरासी इंटू टेंडू पावर सात नैनोमीटर मेगा बार्ट बिजली को मापने की इकाई कौन सा है तो उत्पादित की जाती है एक माइक्रोन बराबर होता है वन वटा एक हजार मिलीमीटर एक माइक्रोन की लंबाई होता है टेंडू पावर माइनस फोर सेंटीमीटर की दबाव की इकाई क्या होता है तो बार एक के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है दाब का समतुल होता है वन पॉइंट जीरो बार एक कौन सा वायुमंडल में वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को नापने में होता है तो डॉप डॉपसन नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है तो नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टें टू पावर पंद्रह मीटर लंबाई यानी खगोलीय जैसे कि तार संबंधी दूरी न मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो पार्सेक का प्रयोग करते हैं एक सेंटीमीटर बराबर होता है जीरो पॉइंट थ्री नाइन इंच एक नाइनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है तो टें टू पावर माइनस नाइन मीटर एक फीट कितने मीटर के बराबर होता है तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव मीटर का नेक्स्ट है एक फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं तो जी तीस पॉइंट फाइव इंटू टू पावर सेवन नैनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत चालक तार में एक एम्पियर पर धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है तो उस तार में प्रति सेकेंड सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन उस सिरे में प्रविष्ट होना तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलना नेक्स्ट है एक मेगावाट कितने बाट के बराबर होता है तो टेन टू पावर सिक्स मिली मिलियन या बाट के बराबर होता।, होता है एक हॉर्स पावर बराबर होता है यानी एक अश्व शक्ति बराबर सात सौ छियालीस वाट किसी कार्यकर्ता किसी, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी क्या कहते हैं तो उसके शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव यांत्रिक द्रव यांत्रिक के संदर्भ में किसी माध्यम के सापेक्ष द्रव वस्तु के बेग यानी भी तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चालसी अनुपात को क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको मैक बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंच बेग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो मैक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर यानी दस के पावर माइनस छः इंटू टेन टू पावर थ्री मिलीमीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो दस के पावर माइनस चार सेंटीमीटर के बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल प्रति सेकेंड को की को किस नाम से जाना जाता है तो बाट के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है नौ संचालकों को प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं तो समुद्री दूरी को समुद्री मिल को मापने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो उसको दाब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल को और किस नाम से जानते हैं तो पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं एक बार बराबर क्या होता है तो दस के पावर पाँच न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या दस के पावर छः डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एक डाइन बराबर कितने किलोग्राम के बराबर होता है तो वन पॉइंट टू इंटू टू पावर क्या होता है तो एक बैरल बराबर होता है एक सौ अंठावन पॉइंट नाइन एट सेवन लीटर इसको अप्रॉक्सिम इसको बोल सकता है एक सौ उनसठ लीटर बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रवाह की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूबेक्स के द्वारा एक डॉपसन पर इकाई मानक ताप और दाब किसके द्वारा व्यक्त करता है तो दस माइक्रोन ओजोन परत की मोटाई को एक माइक्रोन बराबर होता है तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन होता है एक माइक्रोन इंच बराबर होता है तो एक माइक्रोन इंच बराबर होता है एक इंच का दस लाख भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मापक यंत्र और औजार यानी मेजरिंग डिवाइस और टूल से संबंधित टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग टोटल फीटर ट्रेड का टोटल पर डे एक चैप्टर कंप्लीट एमसीक्यू पर डे कराएंगे कल सात बजे लाइव होंगे बिल्कुल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट शुभ रात्रि जय हिंद जय जा भारत